वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू द पार्ट टू लेक्चर ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो हमारा पिछला लेक्चर था वो बहुत बड़ा हो जा रहा था, इसीलिए हमने उसको पार्ट वन पार्ट टू में बांट दिया। हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं व्हाट इज लाइट, यू नो व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। लाइट रिएक्शन हम स्टार्ट कर चुके हैं, एम ऑफ लाइट रिएक्शन हो चुका है, इवन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कंप्लीट हो चुका है। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है दैट इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब आ जाते हैं व्हाट इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। उसके लिए मैंने दोनों डायग्राम्स बगल बगल में बना रखा है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है फोटोसिस्टम टू से वो एक्चुअली वापस इसके पास नहीं आता। इनफैक्ट अगर आप देखोगे देन द इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम दिस फोटोसिस्टम टू ये जाएगा टू फोटोसिस्टम वन, एंड फोटोसिस्टम वन का इलेक्ट्रॉन जाएगा एनएडीपी के पास, जिसकी वजह से एनएडीपीएच आपका बनेगा। इज दैट क्लियर? तो हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कभी वापस नहीं आता, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है, और इसके इलेक्ट्रॉन ये आता है वॉटर से, इसीलिए इसको हम कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में दो फोटोसिस्टम की जरूरत होती है, एक है फोटोसिस्टम टू, एक है आपका फोटोसिस्टम वन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन थोड़ा इससे अलग है, दो चीज तीन चीजें इसके डिफरेंस है, ध्यान से देखो। दिस इज साइक्लिक, दिस इज नॉन साइक्लिक। फर्स्ट, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व्स ओनली फोटोसिस्टम वन। देखिए मैंने सिर्फ इतना वाला हिस्सा यहां पर बना दिया है। इट इन्वॉल्व्स ओनली फोटोसिस्टम वन, दैट मीन्स लाइट विल फॉल ऑन फोटोसिस्टम वन, इट विल रिलीज इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन लेगा अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, एंड फाइनली जब इसके इलेक्ट्रॉन का लॉस कहां से कंपनसेट होगा, एंड यहां का जो लास्ट टर्मिनल एक्सेप्टर है वो एनएडीपी नहीं होगा, यहां टर्मिनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन एनएडीपी नहीं होगा, एनएडीपी एच टू नहीं बनेगा, एंड ये जो यू नो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ये बाद में इलेक्ट्रॉन वापस किसको लौटा देंगे, फोटोसिस्टम वन को लौटाएंगे। जस्ट सी हियर, व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 700 नैनोमीटर फॉल्स ऑन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, only photosystem 1 is activated, it will release electron, this electron will be taken by a series of electron acceptors, finally ye electron wo hum log non-cyclic mein kisko dete the, NADP plus ko, yeah NADP nahi lega, theek ye electron hum wapas isko lauta denge, kyun, kyunki iska yahan par abhi photosystem 2 to hai nahi, isko ne to apna electron loss kahan se milta tha, photosystem 2 से मिलता था, अभी यहां फोटोसिस्टम 2 तो है नहीं, तो इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेता है। सिंस द इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स बैक टू द फोटोसिस्टम 1, दिस इज कॉल्ड एज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। यहां पर आपको नोटिस ये करना है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में एटीपी तो बनता है, क्यों, क्योंकि व्हेन लाइट फॉल्स ऑन फोटोसिस्टम 1 वो जो सोलर एनर्जी है उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन है, ये एक सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से पास करते हैं, हर स्टेप में एनर्जी रिलीज होता है, लेकिन एक स्टेप में ऐसा होता है जहां इस एनर्जी से हम एटीपी बनाते हैं, फाइनली जब इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी खत्म हो जाता है ये इलेक्ट्रॉन वापस फोटोसिस्टम 1 को दे दिया जाता है। दैट मीन्स यहाँ एटीपी तो बनता है, पर यहां पर एनएडीपी एच टू नहीं बनता, क्योंकि NADPH2 हाइड्रोजन किससे लेता है, वाटर से लेता है, जब वाटर को स्प्लिट करते हैं उसका जो हाइड्रोजन निकलता है उसको हाइड्रोजन एक्सेप्टर एनएडीपी को दिया जाता है, विच कन्वर्ट्स इनटू NADPH2। सिंस यहां पर फोटोसिस्टम 2 का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर यानी कि पानी का जो फोटोलाइसिस है वो केवल फोटोसिस्टम 2 पर होता है, और यहाँ फोटोसिस्टम 2 इन्वॉल्व नहीं है, तो यहाँ पर न वाटर ब्रेक करता है, न हाइड्रोजन रिलीज होता है, एंड न हाइड्रोजन एनएडीपी को दिया जाता है टू कन्वर्ट NADPH2। दैट मींस टू मेजर डिफरेंसेस आप यहाँ नोटिस करना, इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इट इन्वॉल्व बोथ फोटोसिस्टम 2 and 1, दिस इन्वॉल्व ओनली फोटोसिस्टम 1। Secondly, here the electrons released by photosystem 2 and photosystem 1, they never return back to their own photosystems. ठीक, so it is non-cyclic. यहाँ पर the electron released by photosystem 1, it will come back to it, so it is called as cyclic. Third, in non-cyclic photophosphorylation, both ATP and NADPH2 is made, जबकि in cyclic only ATP is made, NADPH2 is not made. ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस है, अब हम लोग साइक्लिक को डिटेल में पढ़ेंगे। द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये भी फोटोफॉस्फोराइलेशन ही है क्योंकि यहां पर सन के एनर्जी को एटीपी पे कन्वर्ट किया जा रहा है।
इन विच द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फोटो सिस्टम वन, यहाँ जो फोटो सिस्टम वन से इलेक्ट्रॉन निकला, दे आर नॉट पास टू NADP फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बट ट्रांसफर बैक टू P700। इससे जो इलेक्ट्रॉन निकला वो हम NADP को नहीं देकर वापस ट्रांसफर बैक कर देते हैं। इस टाइप के फोटोफॉस्फोराइलेशन को हम लोग कहते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। लेट अस सी यहां होता क्या है। लुक एट दिस, व्हेन फोटो सिस्टम वन फोटॉन्स एक्टिवेट, फोटॉन्स मींस सनलाइट, इट एक्टिवेट्स फोटो सिस्टम वन, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रेज टू हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, they are captured by the primary acceptor which passes it to ferredoxine, this will pass it to plastoquinone, this will pass it to cytochrome B3, this will pass it to cytochrome F. At this step the energy released is sufficient to form ATP molecules, and finally cytochrome F will pass it to plastocyanine and plastocyanine will give back the electron back to photosystem 1. ठीक है, सो दीज आर द स्टेप्स। एट ईच स्टेप ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, हर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के स्टेप में दिस इलेक्ट्रॉन लूजेस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, एंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग ATP, जिसकी वजह से ATP बनता है। हियर नाइदर ऑक्सीजन इज रिलीज, क्यों? क्योंकि यहां पर वॉटर का स्प्लिट नहीं हुआ है, फोटोलिसिस ऑफ वॉटर नहीं हुआ है। जब वॉटर टूटता है तब ये टूटता है इंटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सिंस यहां पर वॉटर का कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सो नो ऑक्सीजन इज रिलीज, राइट। हियर इज देर इज नो ऑक्सीजन एज देर इज नो फोटोलाइसिस ऑफ वॉटर, नॉर सिंस पानी नहीं टूटा सो देर इज नो फॉर्मेशन ऑफ NADPH2। ठीक, दीज टू स्टेप्स दे डू नॉट अकर। सो लेट मैं एक बार कंपेयर करके आपको स्टेप याद करने में मदद होगा, उसके कंपेयर कर दूं। जस्ट लुक एट दिस, इफ यू सी दिस वेरी क्लोजली आप देखोगे यहां पर आपका दिस इज योर नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक में रिसीव होता है द प्राइमरी एक्सेप्टर इज फियोफाइटिन, ठीक है, देन इट गोज टू प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B3, साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन, फिर इससे निकलेगा ये जाएगा फेरेडॉक्सिन एंड NADP। NADP वाला स्टेप तो होगा नहीं साइक्लिक में। तो आप यहां पर देखो, when light of wavelength 700 nanometer strikes the chlorophyll molecule P1700, it releases an electron. ये electron पहले यही है, this electron जो यहाँ पर था same, it will be taken by ferredoxine. For पहले primary acceptor then ferredoxine, ये step आपका same है, ठीक। उसके बाद के ये सारे step है, from ferredoxine ये वाले electron acceptors है, याद करने का तरीका बता रहे। non cyclic में याद किया था ना, ये रिलीज करेगा प्राइमरी एक्सेप्टर, वहां से जाएगा फेरेडॉक्सिन, वहां से जाएगा NADP, या NADP का इन्वॉल्व नहीं है तो फेरेडॉक्सिन, फेरेडॉक्सिन के बाद के सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स वो हैं जो फोटोसिस्टम 2 में थे, दैट मींस प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B3, साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन, एंड प्लास्टोसाइनिन इस केस में यहां देता था, इस केस में ये वापस इसको P700 को दे देगा, ठीक। सो दिस इज योर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। स्टेप्स भी आपको याद हो गया। अब सवाल उठता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कब होता है और क्यों होता है। एक चीज याद रखना, एक तो तब होता है जब समझे कुछ बादल जैसे छाए हुए हैं एंड जो वेवलेंथ ऑफ लाइट एक्चुअली फॉल कर रहा है वो 700 नैनोमीटर का ही फॉल कर रहा है। कहने का मतलब क्या है, अगर आप विजिबल लाइट को देखोगे दिस इज फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, ठीक है, जिसमें हम दो की बात करते हैं, एक हम बात करते हैं 680, कुछ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल 680 को अब्सॉर्ब करता है उसको हम कहते हैं क्लोरोफिल ए 680, एंड कुछ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स 700 नैनोमीटर यू नो वेवलेंथ ऑफ लाइट को अब्सॉर्ब करता है उसको हम कहते हैं क्लोरोफिल ए 700। ये बनाता है आपका फोटोसिस्टम 2 एंड ये बनाता है आपका फोटोसिस्टम 1, ये आपको अच्छे से पता है, इट फॉर्म्स फोटोसिस्टम 1। अब जो वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है, ये जो वेवलेंथ ऑफ लाइट प्लांट्स पर गिर रहा है दिस इज 700 नैनोमीटर, हायर वेवलेंथ का लाइट ही अर्थ पे आ रहा है, लोअर वेवलेंथ नहीं आ पा रहा है ड्यू टू सम रीजन, मे बी बादल है, मे बी द वेदर कंडीशंस आर सच दैट द वेवलेंथ ऑफ लाइट
जो छन कर प्लांट्स पर गिर रहा है वो 700 नैनोमीटर का है। तो अगर 700 नैनोमीटर का वेवलेंथ ऑफ लाइट आएगा अर्थ में तो उसको तो क्लोरोफिल ए 700 अब्सॉर्ब करेगा, 680 तो कर नहीं पाएगा। तो ऑब्वियसली केवल फोटोसिस्टम वन एक्टिवेट होगा, ठीक। तो अगर केवल फोटोसिस्टम वन एक्टिवेट होगा तो हम साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन ही कर सकते हैं, नॉन साइक्लिक नहीं कर सकते, ठीक है। अब सवाल उठता है कि हम साइक्लिक करते क्यों है, क्योंकि साइक्लिक में नॉन साइक्लिक में तीन चीजें बनती है, एक बनता है NADPH2, ठीक है, एक बनता है आपका ATP और एक आपका बाई प्रोडक्ट में ऑक्सीजन बनता है। इसमें तो वो तीन चीजें नहीं बनती, इसमें तो केवल क्या बनता है, ATP बनता है, ठीक। यानी कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है इसको आप फर्दर उसमें नहीं एंटर कर सकते, यू कैन नॉट एंटर इट फर्दर इनटू डार्क रिएक्शन, आप इससे ग्लूकोज नहीं बना सकते। अगर ग्लूकोज नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना सकते, मैं आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। हम ग्लूकोज क्यों नहीं बना सकते, हम इसलिए नहीं बना सकते, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, क्योंकि ग्लूकोज बनाने के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हमें हाइड्रोजन की भी जरूरत होती है। दिस हाइड्रोजन विल एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन मिलकर आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाएगा, C6H12O6। सिंस साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में फोटोलिसिस ऑफ वाटर तो होता नहीं है, पानी तो टूटता नहीं है, पानी का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन का हमारे पास कोई सोर्स नहीं है। जब पानी स्प्लिट करता है तभी ना इस हाइड्रोजन को हम NADP को देते हैं और ये NADPH2 बनाता है। तो यहाँ पर तो ना तो पानी का स्प्लिट हुआ है ना NADPH2 बना है, तो इन एब्सेंस ऑफ NADPH2 और हाइड्रोजन ऑब्वियस है इन एब्सेंस ऑफ दिस ग्लूकोज कैनॉट बी फॉर्म्ड, ठीक, ग्लूकोज कैनॉट बी फॉर्म्ड। यहाँ पर केवल ATP एंड नाइदर ऑक्सीजन इज रिलीज, क्योंकि वाटर का ही ऑक्सीजन या फ्री ऑक्सीजन बनके निकलता है। तो दीज दी टू थिंग्स आर नॉट फॉर्म इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। इसमें केवल क्या बन रहा है, ATP बन रहा है। तो ये कब होता है, पहला व्हेन द वेवलेंथ ऑफ लाइट विच रीचेस द अर्थ इज ऑफ 700 नैनोमीटर, 680 वाला रीच ही नहीं कर रहा, या व्हेन CO2 इज इन शॉर्ट सप्लाई, एयर में CO2 नहीं है। तो अगर एयर में CO2 नहीं है तो आप NADPH2 बनाकर करोगे क्या, जब CO2 ही नहीं है तो हाइड्रोजन को किस में जोड़ोगे ग्लूकोज बनाने के लिए। मैं फिर कह रही हूं, ग्लूकोज बनाने के लिए आपको CO2 एंड हाइड्रोजन दोनों की जरूरत पड़ती है, ठीक। आप हाइड्रोजन अकेले का क्या करोगे अगर एयर में CO2 नहीं है, क्योंकि CO2 प्लस हाइड्रोजन मिलकर ग्लूकोज देता है। तो अगर एयर इज नॉट कंटेनिंग सफिशियंट CO2, देयर इज नो पॉइंट फॉर्मिंग NADPH2, तो हम NADPH2 नहीं बनाते, तो साइक्लिक कर देते। नॉन साइक्लिक में NADPH2 बनता है। अब आप बोलोगे मैम साइक्लिक क्यों करते हैं, इसलिए कि जब आपका सोलर एनर्जी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पे आएगा तो वो एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और उस इलेक्ट्रॉन से हम ATP बनाते हैं, एज यू सॉ इट, ठीक है। आपका जब सोलर एनर्जी क्लोरोफिल पर गिरता है इट रिलीजेस यू नो एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन्स और इस इलेक्ट्रॉन से हम एनर्जी बनाते हैं, ATP बनाते हैं। दैट मीन्स द सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू ATP। अब अगर ठीक है, अब अगर सोलर लाइट तो आ गया, कौन से वेवलेंथ का आया, 700 नैनोमीटर का, वो तो आ गया। अगर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इस सोलर एनर्जी का ATP नहीं बनाएगा तो जल जाएगा, इसका फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज हो जाएगा। क्लोरोफिल का लॉस हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि क्लोरोफिल मेन इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से ग्लूकोज बनता है। एक बार के लिए अभी CO2 नहीं है, इफ यू लुक एट द इक्वेशन, CO2 प्लस वाटर विल फॉर्म ग्लूकोज C6H12O6 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। एक बार के लिए अभी मेरे पास CO2 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी नहीं है, बाद में आ जाएगा, एयर में है, गैस है, अभी कम है, बाद में आ जाएगा। लेकिन एक बार क्लोरोफिल ही डिस्ट्रॉय हो गया तो हम खाना नहीं बना सकते। इसीलिए आपने देखा है प्लांट के वो पार्ट्स जो नॉन ग्रीन होते हैं, जो नॉन ग्रीन होते हैं, जो ग्रीन नहीं होते, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल के बिना तो फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं सकते, राइट। तो अगर क्या हुआ, 700 नैनोमीटर का वेवलेंथ का लाइट आया, ठीक, अगर ये क्लोरोफिल उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन रिलीज करके उस एनर्जी को ATP में कन्वर्ट नहीं करेगा तो वो एनर्जी से ये खुद जल के भस्म हो जाएगा, इसका फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज हो जाएगा। और एक बार क्लोरोफिल डैमेज हो गया, उसके बाद आपके पास चाहे जितनी मर्जी
CO2 हो, वाटर हो, सनलाइट हो, आप ग्लूकोज नहीं बना सकते. आपको पता है प्लांट के नॉन ग्रीन पार्ट्स जो होते हैं ये कभी भी ग्लूकोज नहीं बना पाते. से दिस इज द नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट. से ये स्टेम है, स्टेम को मैंने ब्राउन से बनाना था बट मेरे पास ब्राउन कलर है नहीं, सो लेट मी मेक इट विथ लाइट ब्लू. सो दिस इज द नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट. इसमें क्लोरोफिल नहीं है. आप इसको जितनी मर्जी सनलाइट दे दो, CO2 दे दो, वाटर दे दो, ये कभी ग्लूकोज नहीं बना सकता. ग्लूकोज बनाने के लिए जो सबसे एसेंशियल चीज चाहिए दैट इज क्लोरोफिल, एंड विच इज प्रेजेंट जहां जिस पार्ट ऑफ द प्लांट में क्लोरोफिल है बस वही फोटोसिंथेसिस करता है. तो अगर क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय हो गया, इसका फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज हो गया, उसके बाद चाहे आप जितनी मर्जी CO2, वाटर, सनलाइट दो, आप ग्लूकोज नहीं बना पाओगे. ठीक, तो हमें क्लोरोफिल को बचाना बहुत जरूरी होता है. तो उस केस में हम करते क्या भैया, 680 नैनोमीटर का वेवलेंथ आया है, क्लोरोफिल पर गिरा है, क्लोरोफिल उस एनर्जी का ATP तो बना लेता है दो कारण से. एक तो उसका खुद का फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज होने से बच जाता है, सेकेंडली ATP तो काम आएगा ना, एनर्जी करेंसी है सेल का, बॉडी का एनर्जी करेंसी है, या नहीं तो वहां काम आ ही जाएगा. ATP को कौन मना करता है, तो कम से कम ATP तो बना ले. भले ही हम NADPH2 नहीं बना पा रहे और भले ही हम इस एनर्जी को डार्क रिएक्शन में यूज नहीं कर पा रहे, लेकिन ये एनर्जी कहीं तो काम आ जाएगा. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. आपको याद होगा मैंने आपको क्लोरोफिल कढ़ाई के रूप में समझाया था. ठीक है, अब हुआ क्या, आपके पास सब्जियां नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर. मैंने कहा ना साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन दो ही कंडीशन में होता है. एक, जब आपके पास सनलाइट 700 नैनोमीटर का है बट ठीक है आपका फॉल कर रहा है, या जब CO2 नहीं होता. कढ़ाई है, कढ़ाई में को हमने गैस पे चढ़ा दिया क्योंकि सनलाइट है, क्लोरोफिल कढ़ाई है और आपको पता है सनलाइट गैस है. हमने कढ़ाई को गैस पे चढ़ा दिया पर हमारे पास CO2 एंड वाटर यानी कि सब्जी नहीं है, तो होगा क्या, कढ़ाई जल जाएगी. अगर आप केवल गैस पर खाली कढ़ाई डाल देंगे, कढ़ाई क्या होगी, जल जाएगी. जलेगी कि नहीं जलेगी, जल जाएगी. अब अगर कढ़ाई जल गई और आपका कढ़ाई खत्म हो गया, बाद में अगर आपको सब्जी मिल भी जाती है तो आप खाना बनाएंगे किस में जब आपके पास कढ़ाई नहीं है. सिमिलरली क्लोरोफिल अगर डिस्ट्रॉय हो गया, सनलाइट तो आ रहा है यानी कि गैस है, गैस पे आपका क्लोरोफिल चढ़ गया है, राइट. लेकिन अगर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर नहीं है, ग्लूकोज तो बनेगा नहीं. हम लोग उस कढ़ाई में क्या करते हैं, कुछ नहीं है, कम से कम पानी डाल दो. पानी डाल देंगे तो क्या होगा, कम से कम उस गैस से पानी उबल जाएगा, उबला हुआ पानी कहीं काम आ जाएगा, नहाने के, खाने के, धोने के काम आ जाएगा और कढ़ाई बची रहेगी ताकि जब सब्जियां आ जाए तो हम फिर से खाना बना सके. गॉट माई पॉइंट. सिमिलरली हम यहां पर भी क्या करते हैं, जब वेवलेंथ ऑफ लाइट मोर देन 680 नैनोमीटर का होता है या जब CO2 नहीं होता ग्लूकोज बनाने के लिए, उस वक्त हम सोलर एनर्जी को से इलेक्ट्रॉन निकालकर इसको एक सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से पास कराते हैं और ये जो सनलाइट का एनर्जी जिससे हमने इस इलेक्ट्रॉन को हाई एनर्जी लेवल पर लाया, इस एनर्जी से कम हम ATP बना लेते हैं. भले साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन विल नॉट बी एबल टू लीड इन टू केल्विन साइकिल, इससे हम ग्लूकोज नहीं बना पाएंगे बट कम से कम हम क्लोरोफिल का फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज बचा लेंगे एंड साथ में ATP प्रोडक्शन होगा जो कहीं ना कहीं काम आ जाएगा. इज दैट क्लियर? सो दिस इज व्हेन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एक्चुअली टेक्स प्लेस. विद दैट नॉन साइक्लिक साइक्लिक दोनों हो गया. जहां तक अभी तक हमारी बात हुई है, कम से कम मैं उसको एक बार आपको रिवाइज करा दूं बिफोर आई टीच यू द लास्ट टॉपिक दैट इज द केमी ऑस्मोटिक थ्योरी, लाइट रिएक्शन का लास्ट टॉपिक, नॉट द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर. तो हमारी कहानी यहां से स्टार्ट हुई थी कि फोटोसिंथेसिस में खाना बनता है. तो सवाल उठता है ये खाना आपका कैसे बनता है. हमने बताया खाना बनने के लिए हमें चाहिए कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. कार्बन एंड ऑक्सीजन हम CO2 से लेते हैं एंड हाइड्रोजन हम वॉटर से लेते हैं. ठीक, इसको हम सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में हम इससे ग्लूकोज बनाते हैं एंड बाय प्रोडक्ट में हमारा ऑक्सीजन एंड वाटर भी बन जाता है. अब ये पूरा खाना बनाने के लिए दो स्टेप चाहिए. पहला प्रिपरेटरी फेज, जिसमें हम सामान की तैयारी करेंगे. प्रिपरेटरी फेज को लाइट रिएक्शन भी बोलते हैं, जिसमें हम वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं एंड इसको हाइड्रोजन को NADP को दे देते हैं ताकि वो NADPH2 बनाकर रखे, जब जरूरत हो तो हमें वापस दे दे एंड सनलाइट को हम ATP में कन्वर्ट करते हैं. ठीक, अब ये दोनों चीजें प्रिपरेटरी फेज में
एक होता है फॉर्मेशन ऑफ NADPH2 एंड सेकेंड होता है आपका फॉर्मेशन ऑफ ATP. ये दोनों किस प्रोसेस से होगा? द प्रोसेस बाय विच इट अकर्स, दिस इज नोन एज फोटोफॉस्फोराइलेशन, या फोटो यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में एटीपी बनता है बाय फॉस्फोराइलेशन, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन. ये फोटोफॉस्फोराइलेशन दो तरह का होता है, एक है आपका साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, एक है आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. नॉन साइक्लिक, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन वो प्रोसेस है जिसमें बोथ फोटो सिस्टम 1 और 2 का इन्वॉल्वमेंट होता है, जहां पर जो इलेक्ट्रॉन 2 से निकलता है वो आदमी 1 में जाता है और वही एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन से बाद में NADPH2 बन जाता है, एंड ये जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करते हैं उससे हम ATP बनाते हैं. दैट मीन्स साइक्लिक से बोथ ATP एंड NADPH2 बनता है. लेकिन जब वेवलेंथ ऑफ लाइट 680 नैनोमीटर से ज्यादा होता है या एयर में CO2 की कमी होती है, उस केस में हम केवल सोलर एनर्जी को हार्नेस करके ATP बनाते हैं, NADPH2 नहीं बना पाते, और वो साइकिल जिसमें केवल ATP बनता है दैट इज कॉल्ड एज योर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. अब ये आखिरी चीज आपका क्या बचा कि ये जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ATP बनता है या जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ATP बनता है, ये ATP कैसे बनता है? हाउ इज दिस ATP फॉर्म? आप बोलोगे मैम इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी तो आप इतने देर से बता रहे हो कि ये ATP बनता बाय प्रोसेस ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन, मतलब ये जो सनलाइट का एनर्जी है, इस सनलाइट फोटो की एनर्जी की मदद से हम ADP को फॉस्फोराइलेट करते हैं, यानी कि उसमें फॉस्फेट ऐड करते हैं, तो हमारा ATP बनता है, यानी कि ATP बनता है बाय प्रोसेस कॉल्ड एज फोटोफॉस्फोराइलेशन. फोटो की मदद से फॉस्फोराइलेट करते हैं तो ATP बनता है. तो अब आप ये क्या बोल रहे हो कि भैया ATP कैसे बनता है, वो आपका बच गया. हम आपको ये बताना चाह रहे हैं द डिटेल प्रोसेस एक्चुअली हाउ दिस फॉस्फोराइलेशन अकर्स, कैसे ADP में फॉस्फेट जुड़कर ATP बनता है, इसका पूरा डिटेल प्रोसेस, एंड दैट डिटेल प्रोसेस इज कॉल्ड एज योर केमी ऑस्मोटिक थ्योरी. ठीक, केमी ऑस्मोटिक थ्योरी बेसिकली एक्सप्लेन करता है कैसे ये आपका ATP बनता है. अब जो आपको बताएंगे वो बहुत इंटरेस्टिंग है, पहले ये देख लो, ये डायग्राम आपके ओल्ड NCERT से है, न्यू NCERT का डायग्राम चेंज हो गया है, आगे से वही डायग्राम पे पढ़ाएंगे, तो पहले सुन लो. फोटोसिंथेसिस में ATP सिंथेसिस क्या लिखा है ध्यान से देखो, इज लिंक टू डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकॉइड, द प्रोटॉन अक्यूमुलेट्स टुवर्ड्स द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन इन द ल्यूमेन, एंड ये प्रोटॉन ग्रेडियंट एनर्जी बनाता है. कुछ समझ में नहीं आया होगा आपको, लगा होगा कि मैम साइक्लिक या नॉन साइक्लिक में प्रोटॉन नहीं, हम लोग इलेक्ट्रॉन पढ़े थे, हम लोग ने पढ़ा था ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर पढ़ा था, प्रोटॉन नहीं पढ़ा था, आप ये प्रोटॉन क्या बोल रहे हैं? तो नाउ लुक एट द मैजिक, ATP कैसे बनता है. सबसे पहले आपको पता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये केवल एक से दूसरे फॉर्म में चेंज करता है. ठीक है, तो सोलर एनर्जी को पहले किसने हार्नेस किया? क्लोरोफिल ने. ठीक, क्लोरोफिल ने इस एनर्जी को किसमें पास किया? इलेक्ट्रॉन्स में. ठीक, ये इलेक्ट्रॉन का जब फ्लो करता है, तो मैंने आपको बताया था ये इलेक्ट्रॉन जब एक एक्सेप्टर से दूसरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे से पास करता है, ये एनर्जी रिलीज करता है जिस एनर्जी से हम ATP बनाते हैं. राइट, मैंने ये कहा था आपको, बट ऐसा नहीं, बीच में एक स्टेप मिसिंग है. वो स्टेप क्या है पहले सुन लो, ये जो इलेक्ट्रॉन है डेफिनेटली ये एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन है, आई विल नॉट डिनाई दैट, ये एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करते हैं और इनके एनर्जी से हम डायरेक्ट ATP नहीं बनाते, इस एनर्जी की मदद से हम एक पहले प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाते हैं, हम पहले प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाते हैं, और ये प्रोटॉन ग्रेडियंट को जब हम ब्रेक करते हैं तब जाकर हमारा ATP फॉर्म होता है. नाउ सी दिस वंस अगेन, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. Energy can neither be created nor be destroyed. It can just change the form. Solar energy से ultimately हम ATP बना रहे, तो steps कैसे हैं? पहले solar energy को किसने लिया? Chlorophyll ने. Chlorophyll ने एक energy rich electron release किया, यानी कि solar energy जो chlorophyll ने लिया था उसको उन्होंने convert कर दिया किसमें? In the energy of the electron. ये electrons जब energy lose करते हैं
इस एनर्जी से पहले हम एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाते हैं एंड बाद में जब इस प्रोटॉन ग्रेडियंट को ब्रेक करते हैं तब एटीपी बनता है। अभी तक ये जो हम आपके प्रोटॉन ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं इसको मैंने कहीं पर जिक्र नहीं किया था, लेकिन अब करेंगे हम इसको केमी ऑस्मोटिक थ्योरी में। ये प्रोसेस याद कर लेना, सोलर एनर्जी फर्स्ट टेकन बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का एनर्जी विल बी ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी विल बी ट्रांसफर टू द प्रोटॉन्स एंड प्रोटॉन्स बाद में जब एनर्जी रिलीज करेंगे तो दैट एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, चलिए इसको समझाने के लिए अब हम आपको समझाते हैं। तो यहां पर मुझे थोड़ा जगह चाहिए तो मैं एक बार बोर्ड को पहले क्लियर कर लेती हूँ। सी लेट अस इमेजिन, मुझे कहीं से तो स्टार्ट करना है। लेट अस इमेजिन दिस टू बी अ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इसको अब हमें क्लोरोप्लास्ट, देखिए ये मेरा क्लोरोप्लास्ट है, मैंने यहां पर भी बना रखा है। इस क्लोरोप्लास्ट में ये ग्राना है, यू कैन सी दिस नाउ, ये जो हमारा ग्राना है, दिस इज द ग्राना। इसके एक यूनिट को हम कहते हैं थाइलोकॉइड एंड थाइलोकॉइड के अंदर में एक्चुअली क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ, दिस इज योर क्लोरोफिल ए 680 और यहां पर है आपका क्लोरोफिल ए 700। ये बनाएगा फोटोसिस्टम 2 और ये बनाएगा आपका फोटोसिस्टम 1। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया, दिस इज माय क्लोरोप्लास्ट, ये देखो जो मैंने येलो से बनाया है, इस येलो में ये मेरा ग्राना है, ग्राना मैं यही दिखा रही हूं। मैंने एक ग्राना से एक थाइलोकॉइड निकाला, सो दिस इज अ सिंगल थाइलोकॉइड, ये सिंगल थाइलोकॉइड है जिसके अंदर में आपका क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स है एंड दिस पार्ट इज द स्ट्रोमा। ये जो यहाँ पर ब्लू कलर से बना हुआ है ना, सो अज्यूम दिस पार्ट, ये जो बाहर वाला पार्ट है ये एक सिंगल थाइलोकॉइड को मैंने निकाला है एंड ये बाहर वाला पार्ट इज द स्ट्रोमा जहां पर आपका डार्क रिएक्शन होना है। लाइट रिएक्शन होता है ग्राना में थाइलोकॉइड के अंदर, डार्क रिएक्शन होता है इन द स्ट्रोमा। ठीक, अब यहां पर है थाइलोकॉइड है, यहां क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए 680, क्लोरोफिल ए 700, ये बना रहा है फोटोसिस्टम 2, ये बना रहा है फोटोसिस्टम 1। ठीक, अब होगा क्या, When solar energy is trapped by chlorophyll molecule, ठीक, ये क्या करता है, solar energy से electron release करता है, very good, ये energy rich electron जाता है through a series of electron acceptors and उससे जाता है photosystem 1 में, फिर photosystem 1 energy release करता है, energy rich electron, इसके energy को हम लोग NADP को देते हैं जो NADPH बनाता है। इस पूरे process में ये जो इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी रिलीज की, इस इलेक्ट्रॉन के एनर्जी से हम एटीपी बनाते हैं डायरेक्ट नहीं, पहले हम प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट करते हैं। प्रोटॉन ग्रेडियंट मतलब थाइलोकॉइड के ल्यूमन में प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स वेरी हाई। ठीक है, सोलर एनर्जी ट्रैप हुआ, इससे इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, यहां इलेक्ट्रॉन्स आपका ट्रांसफर हुआ। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन इज बीइंग ट्रांसफर्ड, ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है इससे जो एनर्जी निकला, इससे पहले हमने क्या बनाया, प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट कहां, मतलब ग्रेडियंट मतलब कहीं हाई कहीं लो, तो ल्यूमन ऑफ द थाइलोकॉइड में प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द स्ट्रोमा। यहां आप देखो 1, 2, 3, 4 है, मैं स्ट्रोमा में सिर्फ 2 बना रही हूं। ऑब्वियस है अगर यहां प्रोटॉन ज्यादा है, बाहर स्ट्रोमा में प्रोटॉन कम है, तो प्रोटॉन चाहेगा टू मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो, तो ये यहां से यहां जाएगा एंड जब ये हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा तब उसकी वजह से एटीपी सिंथेसिस होता है। कैसे, ये हम अभी आपको बताएंगे केमी ऑस्मोटिक थ्योरी में। आई एम टेकिंग माई टाइम, मैं फिर से बता रही हूं, ठीक, जिनको समझ में आ गया फास्ट फॉरवर्ड करके बढ़ जाओ, जिसको नहीं आया दोबारा सुन लो। मैंने यहां पर बनाया है येलो कलर से क्लोरोप्लास्ट, इस क्लोरोप्लास्ट में हमारा लाइट रिएक्शन कहां होता है, थाइलोकॉइड में। मैंने यहां एक थाइलोकॉइड बनाया है, थाइलोकॉइड में फोटोसिस्टम 2 एंड फोटोसिस्टम 1 है। जब सोलर एनर्जी फोटोसिस्टम 2 में फॉल करता है, 1 पे फॉल करता है, ये एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से पास करता है जिससे जो एनर्जी निकलता है उस एनर्जी से पहले हम प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाते हैं। दैट मींस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन इज हाई इन द थाइलोकॉइड एज कंपेयर टू द स्ट्रोमा। तो जब ये प्रोटॉन हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूव करता है, यहां देखिए ग्रीन कलर से बना हुआ है, जब ये प्रोटॉन हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव करेगा, मैं रेड पेन से बना दू, ठीक, तो इस प्रोटॉन के मूवमेंट से एक एंजाइम है एटीपी सिंथेटेज, वो एक्टिव हो जाता है जिसकी वजह से एडीपी एटीपी में कन्वर्ट करता है। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू, हो गया। अब यहां पर इसका मतलब
एटीपी बनाने के लिए आपको दो चीजें चाहिए. पहला, आप एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाएं. तो सवाल उठता है, ये प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे बनता है? सो एटीपी सिंथेसिस रिक्वायर्स टू थिंग्स. वन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट. सेकेंड, ब्रेकिंग ऑफ दिस ग्रेडियंट सो दैट एनर्जी कैन बी रिलीज्ड. पहले तो हम प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनाएंगे, यहां प्रोटॉन ज्यादा कम, फिर इस प्रोटॉन ग्रेडियंट को ब्रेक करेंगे, हायर से लोअर एनर्जी में डालेंगे. जब ये प्रोटॉन हाई टू लो एनर्जी जाएगा तो ये एटीपी सिंथेटेज एंजाइम को एक्टिव कर देगा, जिसकी वजह से एटीपी बनेगा. ठीक है, तो दो ही चीज है यहां पर. तो पहला चीज क्या है, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता कैसे है, एंड दूसरा, प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे टूटता है और एटीपी बनाता है. आई होप आपको बैकग्राउंड क्लियर हो गया. सो नाउ लेट अस मूव विद द डायग्राम ऑफ योर एनसीईआरटी. तो पहला चीज है, हाउ इज दिस प्रोटॉन ग्रेडियंट मेड. तीन तरीके से बनता है. थ्री मार्क का क्वेश्चन इसीलिए आता है. केमी ऑस्मोटिक थियोरी. केमी ऑस्मोटिक थियोरी वॉज गिवन बाय पीटर मिशेल, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था. उन्होंने कहा था, ये जो एटीपी सिंथेसिस होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, दिस इज फॉर्म फर्स्ट बिकॉज वी मेक अ प्रोटॉन ग्रेडियंट, एंड व्हेन दिस प्रोटॉन ग्रेडियंट इज ब्रोकन देन एटीपी इज रिलीज्ड. पहला सवाल, हाउ इज द प्रोटॉन ग्रेडियंट मेड. ठीक, या प्रोटॉन हाई एज कंपेयर टू द स्ट्रोमा, ये कैसे होता है. पहला, सिंस द स्प्लिटिंग अप ऑफ द वॉटर मॉलिक्यूल. यहां पर क्योंकि बहुत अच्छा नहीं है, मैं यहां लिखकर दिखा दूं. ये जो वॉटर मॉलिक्यूल स्प्लिट करता है फोटोसिस्टम टू पर, दिस इज माई फोटोसिस्टम टू. ठीक है, जिसको P680 भी बोलते हैं. आपको पता है इसमें वाटर मॉलिक्यूल टूटता है. ये जो वाटर मॉलिक्यूल टूटता है, इसमें टूटता है ऑक्सीजन, एंड आपको पता है वाटर स्प्लिट्स लाइक दिस. वाटर स्प्लिट करता है इनटू हाइड्रोजन प्लस हाफ ऑक्सीजन, एंड हाइड्रोजन फिर फर्दर स्प्लिट करता है इनटू टू प्रोटॉन्स एंड टू इलेक्ट्रॉन्स. आपको पता है ये प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन बनाता है. इलेक्ट्रॉन तो हम दे देते हैं फोटोसिस्टम टू को टू कंपनसेट फॉर द इलेक्ट्रॉन, और ये प्रोटॉन ल्यूमन में रह जाता है. राइट, तो ये प्रोटॉन ल्यूमन में ऐड होने की वजह से प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है. आप बोलोगे मैम नहीं, आप गलत बोल रहे हो, ये प्रोटॉन एनएडीपी के साथ एनएडीपीएच बनाता है. एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता. एग्जैक्टली क्या होता वो अभी हम आपको बता रहे हैं. तो पहला, यहां प्रोटॉन का ग्रेडियंट यानी कि प्रोटॉन कैसे बढ़ता है, प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन कैसे बढ़ता है. फोटोसिस्टम टू पे जब वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट करता है इनटू ऑक्सीजन एंड प्रोटॉन, ऑक्सीजन लिबरेट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ये रख लेता है, एंड प्रोटॉन इस ह्यूमन में रह जाता है, जिसकी वजह से ये बढ़ता है. तो सिर्फ देखिए, सिंस द स्प्लिटिंग अप ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अंदर के साइड में स्प्लिटिंग अप ऑफ द वाटर होता है. देखिए, इस मेम्ब्रेन का दो सर्फेस है, दिस इज द आउटर सर्फेस, इनर सर्फेस. इनर सर्फेस की तरफ वाटर का ब्रेकडाउन होता है. द प्रोटॉन्स और द हाइड्रोजन आयंस दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर अक्यूमुलेट विद इन द ल्यूमन ऑफ द थायलाकॉइड. ठीक है, ये थायलाकॉइड के दो मेम्ब्रेन है, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन. स्प्लिटिंग अप ऑफ द वाटर इनर मेम्ब्रेन की तरफ होता है. जब ये वाटर टूटता है, इसका ऑक्सीजन लिबरेट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन हम लोग दे देते हैं फोटोसिस्टम टू को, और ये प्रोटॉन यहीं रह जाता है, जिसकी वजह से प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन ल्यूमन ऑफ थायलाकॉइड में बढ़ता है. सो दिस इज द फर्स्ट वे जिससे प्रोटॉन का ग्रेडियंट बढ़ता है. सेकेंड क्या है, ये डायग्राम को आप गौर से देखो. थोड़ा सा मैं ब्लैक पेन यहां यूज कर लूं. यहां पर आप गौर से देखो, ये जो थायलाकॉइड का मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन है, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज योर इनर मेम्ब्रेन. अब सुनो, आपको पता है कि जब फोटोसिस्टम टू इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो ये जाता है थ्रू अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स. आपने नाम भी पढ़ा था इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स का. ये जाता है टू यू नो प्लास्टोफिनॉन, फेरेडॉक्सीन, साइटोक्रोम्स, एक सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स से जाता है. अब याद रखना, पहला वाला है इसमें प्लास्टोक्विनॉन, आपको याद होगा पहला इसमें था प्लास्टोक्विनॉन. आई होप आपको, अगर याद नहीं है मैं फटाफट दिखा दूं. सी दिस, फर्स्ट एक्सेप्टर इज प्लास्टोक्विनॉन, अगर आपको याद है. फिर है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, फिर है फाइटोसाइनिन. ठीक है, तो ये आपको पता है, ये सारे कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स है. तो हम पहले बात कर रहे हैं प्लास्टोक्विनॉन. अब आ जाते हैं जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है यहाँ पर, प्लास्टोक्विनॉन, जो यहाँ पर लिखा हुआ है PQ से. अगर आपको दिख नहीं रहा तो आप अपने एनसीईआरटी का
ये डायग्राम खोल लीजिए, आपको दिख जाएगा. व्हाट हैपेंस इज सम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स आर नॉट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, दे आर हाइड्रोजन एक्सेप्टर्स. मैं एनिमेट करके दिखाती हूं. समझ लीजिए ये आपका थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, ठीक है. मैं यहां खड़ी हूं, आई एम स्टैंडिंग हियर दिस साइड. मेरे इस साइड ल्यूमन ऑफ थाइलाकॉइड है, मेरे इस साइड, ठीक है, ल्यूमन ऑफ थाइलाकॉइड है और मेरे इस साइड स्ट्रोमा है. इज दैट क्लियर? मैं ये पूरा हमारा थाइलाकॉइड है, मैं एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हूं, मेरे इस साइड ये है ल्यूमन और मेरे इस साइड स्ट्रोमा है, ठीक है. मैं कौन हूं? मैं एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हूं. क्लोरोफिल 680 पर लाइट गिरा, इलेक्ट्रॉन निकला, उसको लिया फियोफाइटीन ने, फियोफाइटीन ने मुझे पास किया. मैं कौन हूं? प्लास्टोक्विनॉन. प्लास्टोक्विनॉन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं है, हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, राइट. हुआ क्या, मैंने इलेक्ट्रॉन तो इससे लिया, इलेक्ट्रॉन इससे लिया, प्रोटॉन मैंने बाहर स्ट्रोमा से लिया. यू हैव टू इमेजिन लाइक दिस, समझिए आप, ठीक. मेरे यहां पर स्ट्रोमा है और यहां थाइलाकॉइड का ल्यूमेन है. ये है मेरा फोटोसिस्टम टू. लाइट गिरा, इलेक्ट्रॉन निकला, फियोफाइटीन ने लिया, फियोफाइटीन ने मुझे दिया. मैं हूं प्लास्टोक्विनॉन. मैं आउटर सर्फेस में पाई जाती हूं, ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ द मेम्ब्रेन मैं पाई जाती हूं. और मैं एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं हूं, हाइड्रोजन एक्सेप्टर हूं. तो इससे जो इलेक्ट्रॉन निकला, इसने मुझे इलेक्ट्रॉन दिया, बट मैं तो हाइड्रोजन एक्सेप्टर हूं. तो मुझे इलेक्ट्रॉन के साथ क्या चाहिए? साथ में मुझे प्रोटॉन चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन मिलकर हाइड्रोजन बनाता है. तो इलेक्ट्रॉन तो मुझे किस आपने दे दिया, दैट मीन्स यू नो फियोफाइटिन ने दे दिया. प्रोटॉन कहां से लाएंगे? मैं स्ट्रोमा से लूंगी, स्ट्रोमा से लूंगी. और इस तरह से मैं जो प्लास्टोक्विनॉन है, ये प्लास्टोक्विनॉन इलेक्ट्रॉन लेता है इससे, प्रोटॉन लेता है यहां स्ट्रोमा से, ठीक है. ये प्रोटॉन लेता है स्ट्रोमा से और ये बनाता है प्लास्टोक्विनॉन PQH2, क्योंकि ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर है. यहां आप अपने एनसीईआरटी को गौर से देखिए, ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर है. वेरी गुड, समझ में आया. तो मैंने यहां पर प्रोटॉन किससे लिया? स्ट्रोमा से लिया. अब जो अगला एक्सेप्टर है साइटोक्रोम, जो अगला एक्सेप्टर है साइटोक्रोम, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है. अब मेरे पास वो हाइड्रोजन है, तो मैंने इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसको दिया, मैंने इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसको दिया साइटोक्रोम को, और प्रोटॉन वापस लौटाने की जगह मैंने ल्यूमन में डाल दिया. यानी कि लेते वक्त मैंने स्ट्रोमा से लिया और डालते वक्त मैंने थाइलाकॉइड के ल्यूमन में डाल दिया, ठीक. तो ये दिखा रहा है जब ये प्लास्टोसाइनिन तक जाता है. अगर इस डायग्राम को सबसे पहले तो क्लियर कर दे, बहुत ज्यादा डर्टी हो गया है. नाउ लेट अस सी दिस वंस अगेन. मेरा यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, ये इलेक्ट्रॉन हमने किसको दिया? प्लास्टोक्विनॉन को दिया. प्लास्टोक्विनॉन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं है, हाइड्रोजन एक्सेप्टर है. इसने इलेक्ट्रॉन यहां से लिया, प्रोटॉन स्ट्रोमा से लिया, ठीक. बना दिया प्लास्टोक्विनॉन H2, यहां पर आपका क्लियर कट बना हुआ है. यहां अगर आप देखोगे, चलो मैं रेड पेन से ही बना देती हूं. ये है प्लास्टोक्विनॉन, ये आपका हाइड्रोजन एक्सेप्टर है. इसने इलेक्ट्रॉन लिया इससे, प्रोटॉन लिया स्ट्रोमा से, ठीक, प्रोटॉन लिया स्ट्रोमा से और इसने बनाया प्लास्टोक्विनॉन H2, ठीक. तो यहां का प्रोटॉन कम हुआ. अब ये इसको किसको पास करेगा इलेक्ट्रॉन? प्लास्टोसाइनिन को, थ्रू साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स. अब प्लास्टोसाइनिन इनर मेम्ब्रेन की तरफ है, ये आउटर मेम्ब्रेन की तरफ था और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, न कि प्रोटॉन एक्सेप्टर. तो ये क्या करेगा, अपने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और प्रोटॉन इसको दे देगा. तो कितनी मजेदार बात है ना, लेते वक्त हमने स्ट्रोमा से लिया लेकिन देते वक्त हमने थाइलाकॉइड को दे दिया. तो ऑब्वियसली इसकी वजह से भी क्या हुआ, प्रोटॉन का ग्रेडियंट बढ़ा, ठीक है. लास्ट टाइम बता रहे, वेयर लाइट फॉल्स ऑन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इट रिलीजेस अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज टेकन बाय फियोफाइटीन. दिस पासेज इज टू प्लास्टोक्विनॉन. प्लास्टोक्विनॉन इज नॉट एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इट इज अ हाइड्रोजन एक्सेप्टर. ये इलेक्ट्रॉन इससे लेता है, प्रोटॉन स्ट्रोमा से लेता है एंड पीक्यू से बनाता है PQH2. अब अगले को वो पास करेगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगला वाला जो एक्सेप्टर है, दैट इज प्लास्टोसाइनिन, जो इनर मेम्ब्रेन की तरफ पाया जाता है, वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है. इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हम इसको देंगे एंड प्रोटॉन लौटाने की जगह हम ल्यूमन में डाल देंगे. तो ऑब्वियसली उसकी वजह से प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा. तो पहला तो वाटर की वजह से बढ़ा, सेकेंड इन एक्सेप्टर्स की वजह से. सी, तो ये आपका अक्यूमुलेट, ये तो पहला पॉइंट है. सेकेंड आ जाओ, उस डायग्राम पे मैंने बना दिया, एक्चुअली इस डायग्राम पे बनाना चाहिए था,
तो एक बार तो मैंने इसको पहले क्लियर कर लूं, हम इस डायग्राम को देखेंगे. एज इलेक्ट्रॉन्स दे पास थ्रू द फोटो सिस्टम, प्रोटॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड. जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर करता है तो प्रोटॉन बाहर से अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट हो जाता है. दिस हैपेंस बिकॉज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज लोकेटेड टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन. जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है प्लास्टोक्विनॉन, जो आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन में है, ठीक, इट ऑफ द मेम्ब्रेन ट्रांसफर्स इज इलेक्ट्रॉन टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर बट टू एन हाइड्रोजन कैरियर. सॉरी, ये फियोफाइटिन की बात कर रहा है. जो प्राइमरी एक्सेप्टर फियोफाइटिन है वो अपना इलेक्ट्रॉन जब पास करता है प्लास्टोक्विनॉन को, तो प्लास्टोक्विनॉन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं है, ये हाइड्रोजन कैरियर है. हेंस दिस मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल क्या करता है, इट रिमूव्स अ हाइड्रोजन प्रोटॉन फ्रॉम द स्ट्रोमा. लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन पास करता है तो इस प्रोटॉन को ये पास कर देता है कहां पर, ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन. दस ये प्रोटॉन को रिलीज कर देता है टुवर्ड्स द ह्यूमन. ये हो गया, ये दो कारण है जिससे प्रोटॉन एक्यूमुलेट हुआ. पहला, पानी स्प्लिट करता है जिसकी वजह से यहां प्रोटॉन एक्यूमुलेट करता है. सेकेंड, कुछ यू नो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स एक्चुअली हाइड्रोजन कैरियर्स है. इलेक्ट्रॉन यहां से लेते हैं, प्रोटॉन यहां से लेते हैं, अगले को जब इलेक्ट्रॉन देते हैं तो प्रोटॉन अंदर डाल देते हैं. समझ में आ गया. थर्ड, आपको पता है अल्टीमेटली ये जो इलेक्ट्रॉन है उसको कौन एक्सेप्ट करेगा, एनएडीपी. एंड ये जो एनएडीपी है, ये एनएडीपी से हम बनाएंगे एनएडीपीएच. एंड ये एनएडीपी से एनएडीपीएच हम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड एज एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम. ये रिड्यूस हो रहा है ना टू फॉर्म एनएडीपीएच. किसी में हाइड्रोजन ऐड करने को रिडक्शन बोलते हैं. और ये एंजाइम पाया जाता है टुवर्ड्स द स्ट्रोमल एंड, ये स्ट्रोमा के एंड में पाया जाता है. ठीक, अभी हम आपको दिखाएंगे लिविंग वर्ल्ड की मैजिक, कितने प्लान्ड वे में कोई भी काम होता है. इट्स सो मैजिकल टू सी एंड फील इट. पढ़ाएंगे, पहले यहां पर देखो तो हुआ क्या. ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, वी हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम समवेयर. ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, कौन से कलर से बनाओ जो दिखा आपको, ये इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज हुआ, ये एक सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से आया, फिर इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया जिसको लिया फेरेडॉक्सिन ने. फेरेडॉक्सिन इस इलेक्ट्रॉन को पास करता है एनएडीपी, और ये एनएडीपी इलेक्ट्रॉन इससे लेता है, अब ध्यान से देखो, एंड प्रोटॉन स्ट्रोमा से लेता है. आप बोलोगे मैम नहीं, आपने पढ़ाया था प्रोटॉन वॉटर का जाता है. हाँ जाता है, इनडायरेक्ट जाता है. इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, मैंने एक्स लड़की है उसको एक सामान दिया, ठीक, एक्स ने वाई को दिया, वाई ने जेड को दिया, और जेड ने मुझे वापस दे दिया. तो कहीं ना कहीं दिया तो मुझे किसने, जेड ने, लेकिन ये गया किसके थ्रू था, एक्स के थ्रू था. तो इनडायरेक्टली आप ये भी कह सकते हैं दिस थिंग इज गिवन टू मी बाय एक्स, क्योंकि एक्स ने ही वाई को दिया, वाई ने ही जेड को दिया. फिर से सुनो, मैंने दिया किसी चीज को एक्स को, एक्स ने दिया वाई को, वाई ने दिया जेड को. मैंने तो एक्स को दिया लेकिन इनडायरेक्टली मैं ही जेड को दे रही हूं, क्योंकि अगर मैंने एक्स को नहीं दिया होता तो जेड को नहीं मिलता. और अगर ये जेड मुझे लौटा रहा है तो इनडायरेक्टली, एक्चुअली इनडायरेक्ट यहां पर बात हो रही है. डायरेक्टली इट इज नॉट कमिंग थ्रू एक्स, डायरेक्टली इट इज कमिंग थ्रू जेड, बट इनडायरेक्टली इट इज कमिंग थ्रू एक्स, क्योंकि एक्स ने ही ये पासिंग द पार्सल स्टार्ट किया था. सिमिलरली याद रखना, हम आपको बताएंगे ये जो वॉटर का प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन कहीं ना कहीं, अभी हम आपको बताएंगे, ये प्रोटॉन बाहर आता है और यही प्रोटॉन बाद में एनएडीपी लेता है टू फॉर्म एनएडीपीएच. लेकिन पहले एक्चुअली एनएडीपीएच जो लेता है वो किससे लेता है, स्ट्रोमा से लेता है, वो स्ट्रोमा से लेता है. तो एनएडीपी प्रोटॉन लेकर एनएडीपीएच जब बनाएगा तो ऑब्वियसली स्ट्रोमा का कुछ प्रोटॉन क्या होगा, कंज्यूम हो जाएगा. स्ट्रोमा का कुछ प्रोटॉन कंज्यूम हो जाएगा, तो अगर यहां प्रोटॉन कम हो गया तो उसकी कंपैरिजन में ऑब्वियसली यहां का प्रोटॉन क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, ग्रेडियंट बढ़ जाएगा. मतलब शुरू में सपोज इसके पास 10 था, इसके पास 8 था, तो ग्रेडियंट कितने का था, 2 का. अगर ये 8 से घट के 6 हो जाए, ये बढ़े ना भी, तो भी आपका ग्रेडियंट इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, अब ये 6 इन 10 यानी कि 4 का बन गया. ठीक, ये जो बात है ना, ये आपको बाद में समझ में आ जाएगी. अगर अभी नहीं समझ में आ रही, टेंशन मत लो, हम आपको समझा देंगे. पहले तो सिर्फ ये समझ लो यार ग्रेडियंट कैसे बनता है, बाकी सब चीज भूल जाओ. तीन चीज से बनता है. फर्स्ट, ड्यू टू फोटोलिसिस ऑफ वाटर, पानी स्प्लिट करता है जिसकी वजह से यहां पर प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट करते हैं. सेकेंड, यहां पर कुछ एक्सेप्टर्स हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, तो वो इलेक्ट्रॉन यहां से लेते हैं, प्रोटॉन यहां से लेते हैं, जब अगले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को देते हैं तो प्रोटॉन अंदर की तरफ डाल देते हैं. सो दिस इज अ सेकेंड. थर्ड, जो लास्ट अल्टीमेट यू नो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है एनएडीपी, ये इलेक्ट्रॉन नहीं हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, तो ये इलेक्ट्रॉन इससे लेता है, प्रोटॉन स्ट्रोमा से लेता है, तो एनएडीपीएच बनाता है. इस तरह से स्ट्रोमा का प्रोटॉन यूज होने की वजह से फर्दर ग्रेडियंट आपका क्रिएट होता है.
क्लियर। अब जब ये ग्रेडियंट होगा तो ऑब्वियसली प्रोटॉन्स यहां पर अंदर की तरफ क्या है, बहुत ज्यादा है। द प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन इज एक्सट्रीमली हाई ऑन द ल्यूमन ऑफ द थाइलाकॉइड एज कंपेयर टू द स्ट्रोमा। ल्यूमन में स्ट्रोमा की कंपेरिजन में प्रोटॉन बहुत हाई है। ऑब्वियसली चीज क्या है, ये प्रोटॉन हाई से लो में जाना चाहेगा, पर प्रॉब्लम क्या है, दिस मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू प्रोटॉन्स। ये मेम्ब्रेन प्रोटॉन से इम्परमिएबल है तो कैसे जाएगा, एग्जाम्पल देख लो समझ में आ जाएगा। एक नदी है, देयर इज अ रिवर, और वो ऐसे स्लोप से आ रही है, पहाड़ से आ रही है। सो वॉटर क्या है, बहुत प्रेशर से ऐसे आ रहा है, प्रेशर से ऐसे वॉटर मूव कर रहा है। मैंने इस वॉटर चैनल के बीच में एक सीमेंट का डैम बना दिया, एक वॉल बना दिया, सच दैट पानी इस वॉल के इस साइड अक्यूमुलेट कर रहा है। पानी आ रहा है तो स्लोप से पूरा फोर्स से आ रहा है, और मैंने यहां पर एक बड़ा सा दीवार बना दिया है तो पानी वॉल के इस साइड क्या आ रहा है, अक्यूमुलेट कर रहा है। पानी इधर से इधर आना चाह रहा है लेकिन आ नहीं सकता क्योंकि सीमेंट का दीवार इम्परमिएबल है टू वॉटर, तो पानी आ नहीं पा रहा। ठीक है, हमने क्या किया, इस दीवार में छोटा सा गेट खोल दिया, सिर्फ एक छोटे से गेट से पानी आ सकता है, पूरे दीवार से आ नहीं सकता। पानी का प्रेशर यहां पर क्या, बहुत ज्यादा है, ठीक, और गेट बहुत छोटा है तो पानी उस छोटे से गेट से एकदम एकदम प्रेशर से निकलेगा। और वहीं पर हम टर्बाइन फिक्स कर देते हैं, उस प्रेशर से जब टर्बाइन घूमता है तो आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है। उस एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में हार्नेस करते हैं, करते कि नहीं करते, फिर से देखो प्रोसेस क्या बता रहे, रिवर है, उससे पानी खूब प्रेशर से आ रहा है और मैंने यहां पर एक दीवार लगा दिया, वाटर यहां पर एक्यूमुलेट करता जा रहा है और स्लोप होने की वजह से प्रेशर भी बहुत है, ग्रेडियंट है, यहां पानी बहुत ज्यादा है, यहां एकदम सूखा हुआ है क्योंकि यहां दीवार लगा दिया, बहुत है लेकिन पानी आना चाह रहा है, पर दीवार कैसा है, इम्परमिएबल है। दीवार पे छोटी सी गेट खोली मैंने, वो छोटा सा गेट जैसे ही मैंने खोला तो पानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर में उस गेट से आने की कोशिश करेगा, और जब वो गेट से वहीं पर हम टर्बाइन लगा देंगे, वो पानी के प्रेशर से टर्बाइन इतने जोर से घूमेगा कि उससे एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। सेम चीज हम यहां पर यूज करते हैं, एग्जैक्टली सेम चीज। यहां पर क्या है, ये जो आपका मेम्ब्रेन है, दिस मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू, यहां हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। मैं एक बार फिर से बोर्ड को पूरा क्लियर कर लूं ताकि हम देख सके, यहां प्रोटॉन का नॉट हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, कहां, थाइलाकॉइड में, और ये जो स्ट्रोमा है उसके कंपैरिजन में यहां पर प्रोटॉन का क्या है, कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है। ऑब्वियसली ये प्रोटॉन हाई से लो आना चाह रहा है, बट ये जो थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन है ये इम्परमिएबल है टू प्रोटॉन्स, तो कैसे आए, एक्सेप्ट एट वन पॉइंट, ये जो मेरी दीवार है, दिस दीवार को हम लोग कहते हैं एफ नॉट एफ वन पार्टिकल, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं एफ नॉट एफ वन पार्टिकल। इसका ये वाला पार्ट जो ग्रीन कलर का है ये एफ नॉट है, और ये जो बाहर निकला हुआ है दिस इज कॉल्ड एज द एफ वन पार्टिकल। एनसीईआरटी खोलिए, ये डायग्राम में आपको क्लियर कट दिख जाएगा। अगर आपको इस डायग्राम में नहीं दिख रहा, एनसीईआरटी खोलिए मेरे साथ साथ, एनसीईआरटी देख के आपको समझ भी आ जाएगा। यानी कि ये पूरी नदी के जैसा है, पानी प्रेशर में, लेकिन ये दीवार इम्परमिएबल है एक्सेप्ट एट अ स्मॉल गेट, वैसे ही यहाँ प्रोटॉन बहुत ज्यादा है, ठीक, काफी प्रेशर में बाहर निकलने के लिए, बट ये दीवार इम्परमिएबल है एक्सेप्ट एट ओनली वन पॉइंट, दिस वन पॉइंट इज कॉल्ड एज एफ नॉट एफ वन पार्टिकल। इस एफ नॉट एफ वन पार्टिकल से जब ये प्रेशर से प्रोटॉन निकलेगा तो ये जो एफ वन पार्टिकल है ना, एफ नॉट एफ वन पार्टिकल का, दिस एक्चुअली एक्ट एज एंजाइम एटीपी सिंथेटेज। ये एंजाइम एटीपी सिंथेटेज जैसे काम करता है, मैं यहां पर लिख दू, ब्लैक से लिख देती हूं, ये जो F1 पार्टिकल है, दिस F1 पार्टिकल इज एक्चुअली एंजाइम एटीपी सिंथेटेज, ठीक है। अब होता क्या है, जब प्रोटॉन प्रेशर से यहां मूव करता है, ये एटीपी सिंथेटेज एंजाइम इज जस्ट लाइक द टर्बाइन, इसमें कन्फर्मेशनल चेंज होता है, ये घूमता है, उससे जो एनर्जी निकलता है उस एनर्जी से हम एडीपी मॉलिक्यूल को फॉस्फोराइलेट करते हैं, फास्फोरस के साथ ऐड करते हैं टू फॉर्म एटीपी। तो ये प्रोटॉन जब यहां से यहां आया, मैं इनके कलर्स में आपको दिखा दूं, ये देखो आपका ग्रीन कलर से दिखा रहा है, जब ये प्रोटॉन यहां से यहां आया, दिस इज द प्रोटॉन, लुक एट दिस, दिस इज द प्रोटॉन, ठीक, यहां प्रोटॉन का ग्रेडियंट ज्यादा है, यहां कम है सिंथेटेज,
यहाँ प्रोटॉन ज्यादा है, यहाँ कम है, ये मेम्ब्रेन इम्परमिएबल है एक्सेप्ट एट एफ नॉट एफ वन पार्टिकल, ये वाला पार्ट एफ नॉट है, ये वाला पार्ट एफ वन पार्टिकल है। इसका जो एफ वन पार्टिकल है वो एक्चुअली एंजाइम एटीपी सिंथेटेज का काम करता है। जब ये प्रोटॉन प्रेशर से यू नो थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन से स्ट्रोमा में आते हैं तो ये टर्बाइन के जैसे मूव करता है, देयर इज अ कंफर्मेशनल चेंज, इससे जो एनर्जी रिलीज होता है उससे हम एडीपी को फॉस्फेट में जोड़कर एटीपी बनाते हैं। This is how ATP is made, and this theory was explained by Peter Michel, and इस theory को कहते हैं chemiosmotic theory. Last एक चीज जो हम आपको बता रहे थे, confuse कर दी, फिर बता देते हैं। अब फिर से इसको पूरा erase कर देते हैं और मैं color change करके दिखा देती हूँ। मैंने आपको कहा था पहले पढ़ाते वक्त कि ये जो proton है यहाँ पर, this is half oxygen आपके NCERT में प्लस प्रोटॉन। मैंने आपको कहा था ये प्रोटॉन NADP के साथ ऐड करके NADPH बनाता है, बट अभी मैंने क्या बताया, ये प्रोटॉन यहाँ एक्यूमुलेट करता है एंड ये NADP प्रोटॉन स्ट्रोमा से लेता है। एक्चुअली ये इनडायरेक्टली इसी का प्रोटॉन ले रहा है, क्योंकि ये वाटर का प्रोटॉन जब स्ट्रोमा में जाएगा केमी ऑस्मोटिक थ्योरी में, तभी ना ये प्रोटॉन NADP लेगा NADPH बनाने के लिए। वो जो इनडायरेक्ट की बात कर रहे थे, मैं इनडायरेक्ट मैंने कहा ना, मैंने X को दिया, X ने Y को दिया, Y ने Z को दिया, तो मैंने आपको क्या बोला, मैंने Z को दिया, ठीक है, मैंने डायरेक्टली Z को नहीं दिया, मैंने X को दिया, X ने Y को दिया, Y ने Z को दिया, आई अंडरस्टैंड, बट कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मैंने ही ना दिया है वो सामान, यू आर गेटिंग मी, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मैंने ही तो दिया है। वैसे ही मानते हैं कि ये NADP प्रोटॉन स्ट्रोमा से लेता है, बट ये आता कहाँ है स्ट्रोमा में, ये थाइलाकोइड से ही तो आता है, ये वाटर जो स्प्लिट किया, मेजर सोर्स ऑफ प्रोटॉन ये वाटर ही है जो स्प्लिट करता है, तो यही वाटर का ना यहाँ आता है, इसीलिए हम लोग उस डायग्राम में वैसे बता देते हैं। आई होप इट इज क्लियर। सो एक बार हम केमी ऑस्मोटिक थ्योरी को देखिए, यहाँ पर लिखा है The NADP reductase enzyme, ये जो NADP reductase enzyme है, ये stroma के side में पाया जाता है, तो ये electron इससे लेता है, along with the electron, ठीक, ये proton लेता है from the stroma, जिससे ये NADP H+ H+ बनाता है, जिसकी वजह से यहाँ proton remove होता है and further gradient बनता है। Hence chloroplast में protons आपका accumulate कर जाता है as compared to the stroma, ठीक, जब ह्यूमन में आपका प्रोटॉन्स ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू दिस स्ट्रोमा, जिसकी वजह से ग्रेडियंट बनता है, यहाँ पर सब लिखा हुआ है अक्रॉस द थाइलाकोइड, ठीक, ये प्रोटॉन ज्यादा होने की वजह से इसका पीएच भी चेंज हो जाता है, ये एसिडिक हो जाता है, जो अच्छी बात नहीं है, प्रोटॉन को वापस भेजना बहुत जरूरी है। हम लोग कहते कैसे, ये ब्रेकडाउन ग्रेडियंट का कैसे होता है, ये जब ब्रेकडाउन होगा तो एनर्जी रिलीज होगा, दिस इज ब्रोकन डाउन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ दिस प्रोटॉन टू द स्ट्रोमा थ्रू अ चैनल, दिस चैनल इज कॉल्ड एज ATPase channel या F not F1 particle. The ATPase enzyme, ये वाला जो part है, F1 part of this F not F1 particle, ठीक, ये actually दो part का बना हुआ है, one is called the F not, ये वाला part मैंने कहा, इसको कहते हैं F not, ये embedded होता है membrane में, देखिए, F not membrane में embedded है, and ये trans membrane channel बना रहा है, इस side से इस side, ये membrane के जा रहा है, और ये trans membrane channel बना रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है, फॉर्म्स अ ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल, जिसके थ्रू एक्चुअली प्रोटॉन्स जाएगा, द अदर पोर्शन, ये जो अदर पोर्शन है जिसको हम एफ वन पार्टिकल कहते हैं, ये प्रोट्यूड करता है ऑन द स्ट्रोमा का साइड, द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्रेडियंट, जब ये प्रोटॉन यहां से यहां आएगा, ये जो ब्रेकडाउन होगा, ठीक, जब एफ वन पार्टिकल है, ये जो एफ वन पार्टिकल है, ये एटीपीएस का काम करता है, जिसकी वजह से एडीपी मॉलिक्यूल फॉस्फेट के साथ जुड़कर एटीपी, एनर्जी रिच एटीपी बनाता है। अब यहां पर हम एक मैजिक दिखाना चाहते हैं बिफोर आई कंक्लूड द लेक्चर। मैजिक ये है कि आप यहां पर एक चीज गौर करो, लुक एट हाउ द यू नो लिविंग वर्ल्ड हैज प्लान्ड इटसेल्फ। ये मेरा क्लोरोप्लास्ट है, दिस आई एम मेकिंग क्लोरोप्लास्ट, इस क्लोरोप्लास्ट में मैं केवल एक थाइलाकोइड बना रही हूं, एक थाइलाकोइड। आपको पता है लाइट रिएक्शन आपका यहां होता है, यहां होता है लाइट रिएक्शन, ठीक है, एंड आपको पता है स्ट्रोमा में होता है आपका डार्क रिएक्शन। मैं आपको एक चीज बता दूं, रिएक्शन RKN डार्क रिएक्शन होता है। मैं आपको बता दूं लाइट रिएक्शन में केवल एक एंजाइम यूज होता है, नो एंजाइम एटीपी प्रोडक्शन एंड NADPH2 बनाने में एक भी एंजाइम नहीं बनता है, यूज होता है एक्सेप्ट ओनली वन, NADP रिडक्टेज, ठीक है। अब ये एंजाइम भी देखो स्ट्रोमा में पाया जाता है, ये पार्ट तो स्ट्रोमा है ना, दिस पार्ट इज योर स्ट्रोमा, ये एंजाइम भी स्ट्रोमा में पाया जाता है, यानी कि थाइलाकोइड में एक भी एंजाइम नहीं होता है। लाइट रिएक्शन में हो क्या रहा है, लाइट गिरा क्लोरोफिल पे,
क्लोरोफिल ने इलेक्ट्रॉन निकाला, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से गए, फिर इलेक्ट्रॉन निकला जिसको एनएडीपी एनएडीपीएच2 बनाता और एटीपी बनता है। यहां पर केवल दो एंजाइम की जरूरत होती है, एक नहीं दो। एक जब एनएडीपी बनता है तो उसको कहते हैं एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम, और दूसरा जब एटीपी बनता है तो ये एंजाइम का नाम है एटीपी सिंथेटेज एंजाइम। सिर्फ दो एंजाइम की जरूरत होती है, एंड मैजिक देखो ये दोनों एंजाइम स्ट्रोमा में पाए जाते हैं, ये दोनों एंजाइम देखो स्ट्रोमा में पाए जाते हैं। ठीक, तो भले ही ये थायलाकॉइड में होता है लेकिन ये प्रोट्यूड करता है टुवर्ड्स द स्ट्रोमल साइड। देखो ना ये वाला भी फोटोसिस्टम वन में, ये एनएडीपी वाला पार्ट कहां लटका हुआ है, स्ट्रोमा में लटका हुआ है। ये एटीपी सिंथेटिस भी क्या है, स्ट्रोमा में लटका हुआ है, क्योंकि थायलाकॉइड में एक भी एंजाइम नहीं होता, सारे एंजाइम स्ट्रोमा में होते हैं। इसीलिए जब एंजाइम वाला पार्ट हुआ तो अगर ये थायलाकॉइड है तो मैं ऐसे समझ लो एक बच्चा है, मैं बैल्कनी में खड़ी हूं और मैंने उसको टांग से पकड़कर बैल्कनी से लटका रखा है, तो इनडायरेक्टली वो बैल्कनी में है क्योंकि मैं बैल्कनी में हूं, बट बच्चे को मैंने कहां लटका रखा है, बाहर हवा में लटका रखा है। वैसे ही यहां पर ये होने को तो थायलाकॉइड से जुड़ा हुआ है एटीपी सिंथेटेस एंड यहां पर एनएडीपी, पर ये लटका हुआ कहां है, स्ट्रोमल एंड में लटका हुआ है, एंड स्ट्रोमा का एंजाइम, स्ट्रोमा में एक्चुअली एंजाइम पाया जाता है। पहला चीज समझ में आ गया, अब दूसरी बात को सुनो। दूसरी बात यह है कि पूरा का पूरा डार्क रिएक्शन एंजाइम मीडिएटेड है, लाइट रिएक्शन में कोई एंजाइम नहीं, सिर्फ दो एंजाइम की जरूरत होती है और बिल्कुल भी नहीं, और वो दोनों एंजाइम भी स्ट्रोमल साइड में लटके हुए। डार्क रिएक्शन में बहुत एंजाइम की जरूरत होती है, 20 30 40 एंजाइम की जरूरत होती है, और ये सारे एंजाइम कहां पर है, आपके स्ट्रोमा में। अब आपके पास एक चॉइस है, आपने लाइट रिएक्शन में क्या बना लिया, फाइनली आपने लाइट रिएक्शन में एटीपी बना लिया, आपने हाइड्रोजन को एनएडीपी को देकर एनएडीपी एच2 बना लिया। अब आप रेडी हैं, केवल अब कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन ऐड करना है जो एनएडीपी पकड़ा हुआ है, और एटीपी की मदद से हम उसको ग्लूकोज में बना देंगे। सिंपल सी बात है, राइट? हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हमको बाहर से लेना है, उसमें वी नीड टू ऐड हाइड्रोजन, रिडक्शन ऑफ CO2 इज कॉल्ड एज ग्लूकोज। जब कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन ऐड होता है तो ग्लूकोज बनता है, तो हमने CO2 लिया, उसमें हमने क्या ऐड किया, हाइड्रोजन ऐड किया, एंड जब इस CO2 में हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे वो कौन देगा, NADPH2, तो ATP की मदद से यानी कि गैस की मदद से जब उसको पकाएंगे तो ग्लूकोज बन जाएगा, राइट? तो रॉ मटेरियल मेरे रेडी हो गए, अब CO2 हम हवा से ले लेंगे, हाइड्रोजन NADPH2 को दे चुके हैं, सनलाइट को ATP में कन्वर्ट कर चुके हैं, अब केवल पका के ग्लूकोज बनाना है। अब इसको पकाने के लिए बहुत सारे एंजाइम की जरूरत पड़ती है, सारे एंजाइम कहां है, स्ट्रोमा में, और आपका सामान कहां बना है, थायलाकॉइड के अंदर बना है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ये दोनों सामान जो थायलाकॉइड में बना है, ठीक, इसको आप बाहर भेज दें और यहां पर कुकिंग का पार्ट कर ले स्ट्रोमा में। ठीक, इस केस में आपको सिर्फ दो चीज बाहर भेजनी होगी, एक है एटीपी एनएडीपीएच2, दूसरा क्या है, नहीं भैया हमने एटीपी एनएडीएच2 बनाया है, हम इसको थायलाकॉइड में ही रखेंगे, स्ट्रोमा को कहेंगे तुम अपने सारे एंजाइम दे दो, और एंजाइम कितने, 20 25 40 है, तो 40 एंजाइम को अंदर भेजना ये ज्यादा अकलमंदी है या केवल दो चीज को बाहर लाना ज्यादा अकलमंदी है? डेफिनेटली दो को बाहर लाना ज्यादा अकलमंदी है। तो लाइट रिएक्शन में जो हमारा एटीपी एंड एनएडीपीएच2 बनता है, किसमें बनता है, थायलाकॉइड में, हम उसको मूव कर देते हैं स्ट्रोमा में, ताकि स्ट्रोमा में जो एंजाइम प्रेजेंट है उसकी मदद से ग्लूकोज बन सके। आई होप आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई। अब मेरी बात को सुनो, देखो कितना इंटेलिजेंट है लिविंग सिस्टम, कि क्योंकि ये जो एटीपी बना है और क्योंकि जो ये एनएडीपीएच2 बना है, मैं फिर से एक बार बोर्ड को क्लियर कर दूं, ठीक, ये जो आपका एनएडीपी बना है और ये जो एटीपी बना है, अल्टीमेटली इसको स्ट्रोमा में भेजना है, क्योंकि स्ट्रोमा में एंजाइम की मदद से हम कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन को एटीपी की मदद से ऐड करेंगे, को हम एटीपी की मदद से, हाइड्रोजन है की मदद से ऐड करेंगे और ग्लूकोज बनाएंगे, राइट? तो अब हमें ये दोनों चीजों को तो स्ट्रोमा में भेजना है, तो तुम देखो हम इसको कैसे बना रहे, हम बना ऐसे रहे हैं कि बनने के बाद ये ऑटोमेटिकली स्ट्रोमा में ही टपकेगा, एकदम किनारे है ना, हमने किनारे बना रखा है, यहां देखो एटीपी सिंथेटेस किनारे है, ठीक, और जब ये एटीपी बनता है तो ये डायरेक्टली बन के कहां गिर जा रहा है, स्ट्रोमा में गिर जा रहा है। यहां जो एनएडीपीएच बन रहा है, ये बनने के बाद डायरेक्टली किसमें गिर जा रहा है, स्ट्रोमा में गिर जा रहा है, यानी कि इसको स्ट्रोमा तक पहुंचाने का एनर्जी भी हमने सेव कर लिया। इतना दिमाग से हमने काम किया कि एटीपी सिंथेटेस को इस तरह से ओरिएंट किया कि ये एटीपी जब बनेगा तो डायरेक्ट ये स्ट्रोमा में ऐड कर जाएगा, और ये एनएडीपी जब बनेगा तो डायरेक्ट स्ट्रोमा में ऐड कर जाएगा। सो दिस इज अबाउट योर केमी ऑस्मोटिक थ्योरी। सो लेट अस वंस
quickly revise the chemiosmotic theory before we end today's lecture. ठीक, chemiosmotic theory वो theory है जो ये बताता है कि ATP जो liberate होता है during cyclic and non-cyclic photophosphorylation, वो ATP कैसे बनता है. तो ATP का journey कुछ ऐसा है. सन का एनर्जी से एटीपी बनता है, बट सन का एनर्जी पहले जाता है क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल का एनर्जी जाता है इलेक्ट्रॉन में. ये जो इलेक्ट्रॉन पास करते हैं इससे जो एनर्जी निकलता है, इस एनर्जी से हम बनाते हैं प्रोटॉन ग्रेडिएंट. और जब ये प्रोटॉन ग्रेडिएंट हम ब्रेक करते हैं तब जाके फाइनली मेरा एटीपी मॉलिक्यूल बनता है. वो थ्योरी केमीऑस्मोटिक थ्योरी एक्सप्लेन करता है कि प्रोटॉन ग्रेडिएंट पहले बनता कैसे, फिर ब्रेक कैसे होता है टू फॉर्म एटीपी. यह प्रोटॉन ग्रेडिएंट तीन कारण से बनता है. फर्स्ट, ये जो स्प्लिटिंग अप ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल है ये स्ट्रोमल एंड में होता है जिसकी वजह से प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट करता है इन द ल्यूमन ऑफ द थाइलेकोइड. सेकेंडली, मेनी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हियर दे आर एक्चुअली हाइड्रोजन एक्सेप्टर्स एंड सम ऑफ देम आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स. हाइड्रोजन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन यहां से लेता है, प्रोटॉन स्ट्रोमा से लेता है, एंड जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को पास करता है तो इलेक्ट्रॉन पास करता है प्रोटॉन थाइलेकोइड को दे देता है, जिसकी वजह से अगेन आपका थाइलेकोइड में आपका प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है. तो दिस इज वन रीजन, दिस इज सेकेंड रीजन, एंड थर्ड फाइनली इलेक्ट्रॉन कौन लेता है, एनएडीपी, एंड इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की मदद से बनाता है एनएडीपीएच. ये एनएडीपी प्रोटॉन टेम्पररली अंदर से नहीं लेकर बाहर से लेता है स्ट्रोमा से, जिसकी वजह से स्ट्रोमा में था आपका प्रोटॉन कम हो जाता है एज कंपेयर टू इनसाइड, जो ग्रेडियंट बनाने में मदद करता है. दस आपका प्रोटॉन का ग्रेडियंट अंदर साइड में काफी हाई है एज कंपेयर टू द आउटसाइड स्ट्रोमा. ये प्रोटॉन हाई टू लो जाना चाह रहा है, क्यों जाना चाह रहा है, क्योंकि प्रोटॉन पीएच बिगाड़ दे रहा है थाइलेकोइड का, विच इज नॉट वेरी गुड. लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये जो थाइलेकोइड का मेम्ब्रेन है, ये थाइलेकोइड का मेम्ब्रेन इम्परमिएबल है टू दिस प्रोटॉन एक्सेप्ट एट ओनली वन पॉइंट. इस वन पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एफ नॉट एफ1 पार्टिकल बोलते हैं. एफ नॉट पार्ट ऑफ दिस पार्टिकल एम्बीड है इन द मेम्ब्रेन एंड एफ नॉट ये बाहर लटका हुआ है. जब ये प्रोटॉन इससे गुजरते हैं, इस प्रोटॉन के प्रेशर से ये जो एटीपी सिंथेटेज पार्ट यानी कि जो एफ वन पार्ट एफ नॉट एफ वन पार्टिकल का है, वो आपका उसमें कन्फर्मेशनल चेंज होता है और एनर्जी रिलीज होता है जिससे एडीपी आपका एटीपी में कन्वर्ट होता है. सो फाइनली विद दैट हमारा लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस कंप्लीट. मैंने आपको बताया था लाइट रिएक्शन वो फेज है जिसमें हम खाना बनाने की सारी तैयारी करते हैं. ग्लूकोज बनाने के लिए हमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन चाहिए. कार्बन ऑक्सीजन हम एयर से ले लेंगे, CO2 से बड़ा प्रॉब्लम नहीं है. हाइड्रोजन किससे लेंगे, पानी से. पानी का केवल हाइड्रोजन चाहिए. तो पहला तैयारी करना होता है स्प्लिटिंग अप ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल एंड ये हाइड्रोजन जो आइसोलेट हुआ उसको एनएडीपी को देना और एनएडीपीएच2 बनाना. तब जब जरूरत होगी CO2 तब तुमसे हम हाइड्रोजन ले लेंगे. सेकेंड, क्लोरोफिल एंड सनलाइट के प्रेजेंस में होता है. डायरेक्ट सनलाइट हम यूज नहीं कर सकते, सनलाइट को एटीपी पे कन्वर्ट करना. यानी कि लाइट रिएक्शन का दो एम होता है, स्प्लिटिंग अप ऑफ द वाटर, रिलीज ऑफ हाइड्रोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ एनएडीपीएच2 एंड सेकेंड कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी टू एटीपी. अब जब हमारी सारी तैयारी हो गई है, एटीपी बन गया है, एनएडीपीएच2 बन गया है, ये दोनों बन के डायरेक्ट स्ट्रोमा में गिर गया है, स्ट्रोमा में सारी तैयारी है ग्लूकोज बनाने की, तो वो स्टेप जिसमें एक्चुअली इन सामान की मदद से ग्लूकोज बनेगा, दैट इज द डार्क रिएक्शन, जिसको केल्विन साइकिल भी बोलते हैं. डार्क रिएक्शन को केल्विन साइकिल क्यों बोलते हैं, उसकी क्या स्टेप्स है, क्या प्रोसीड्योर है, ये सब हम लोग जानेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में. आई होप आपको मेरी सारी बात समझ में आ गई. प्लीज इफ यू एक्चुअली अंडरस्टूड इट, डोंट फॉरगेट टू यू नो जस्ट पुट योर कॉमेंट्स बिलो. जरूर इफ यू रियली थिंक इट विल हेल्प यू, डू लाइक इट, डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, डू टेल इट टू अदर्स सो दैट दे कैन बी बेनिफिटेड. एंड नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा. वी विल मीट वेरी शॉर्टली इन आर नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन गुड लक एंड गुड बाय.